क्वेश्चन है, चार संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का 3/8 गुना है। यदि इन चारों संख्याओं का औसत 33 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो हम चार संख्याएं लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चार संख्याएं कह रहा है तो हमने चार संख्याएं लिख ली। कह रहा है पहली संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का, तो अंतिम पहली संख्या को छोड़ देंगे और अंतिम तीन जो है इनको सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर लिखा है योग का 3/8 है, तो जिसके साथ का लिखा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हर वाली। जैसे 3/8 है तो ये हर है और ये क्या है, अंश होता है, राइट। तो जिसके साथ का लिखा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंश वाली, हर वाली होती है। यानी कि तीन संख्याओं के योग का के साथ 8 है तो सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8 हो गई, राइट। हम यहाँ पर रेशियो लगा देंगे क्योंकि का लगा हुआ है, राइट। और ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, पहली संख्या की, कह रहा ना, पहली संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का, तो जिसके साथ का लिखा है वो हर हो गया और पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, राइट, क्लियर। अब हमें दे रहा है वो औसत और चार संख्याएं हैं, तो हम निकालेंगे योगफल। योगफल का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या, राइट। तो औसत हमें दिया है 33 और संख्याएं कितनी है हमारी, चार, तो मल्टीप्लाई करेंगे, चार तियाँ बारह और एक 13, तो योगफल हमारा आ जाता है 132, राइट। अब हमसे कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई रेशियो मेथड हमारा कहता है कि योगफल की तुलना योगफल से, हम निकालेंगे पहली संख्या, राइट। तो योगफल की तुलना योगफल से, योगफल किसका, 3 और 8 को हम जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 3 11। अब पूछ रहा हमसे क्या है, पहली संख्या, तो जो पूछता है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। पहली संख्या हमारी क्या है, 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, ऊपर कटेगा 11 एकम 11, 12 13 2 बचे, तो 11 2 22, तो बचा हमारे पास 12 × 3 यानी कि 12 3 36, तो पहली संख्या हमारी हो जाती है 36, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।